मित्रों, आज आपके लिए राजस्थान के लोक नृत्य कच्छी घोड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। इसमें एक घोड़ी की आकृति के बने लकड़ी के ढांचे के साथ में कलाकार डांस करते हैं। राजस्थान के लोकगीतों के साथ ही परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुनों पर यह डांस होता है, जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है। राजस्थान के वाद्य यंत्र अलगोजा, ढोलक, दो ताल की धुनों पर यह डांस होता है। लोक नृत्य शेखावाटी के डाकू क्षेत्रों से उत्पन्न हुआ है और आमतौर पर दूल्हे पक्ष के मनोरंजन के लिए किया जाता है। यह नृत्य नकली घोड़ों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष शानदार पोशाक पहनते हैं, लाल पगड़ी और धोती और कुर्ता, जो शानदार दर्पण काम से सजे होते हैं, और नकली घोड़ों की सवारी करते हैं। ये नर्तक अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर ढोल और बांसुरी की थाप पर लयबद्ध तरीके से चलते हैं, जबकि गायक अपने गीत के माध्यम से शेखावाटी क्षेत्र के बावरिया डाकुओं के कारनामों का वर्णन करता है। कच्छी घोड़ी नृत्य एक जीवंत लोक नृत्य है, जिसमें नकली लड़ाई और तलवारों की लहराहट, तेज गति से साइड स्टेपिंग और मुक्का और ढोल की धुन पर चक्कर लगाना शामिल है। लोक नृत्य का यह रूप आमतौर पर राजस्थान की जनजातियों द्वारा किया जाता है और यह उस समय या जाति के सामाजिक ऐतिहासिक परिदृश्य को दर्शाता है, जिसे वे दर्शाते हैं। दोस्तों, कला और संस्कृति की धरोहर को बचाए रखने के लिए राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर के विभिन्न चौराहों पर धातुओं की बनी प्रतिमाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नृत्यों को व तीज त्योहारों को दर्शाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार कच्छी घोड़ी नृत्य को भी दर्शाया गया है, जो बहुत ही मनोहारी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मूल्य समय प्रदान कर इस जानकारी को हासिल किया।